बिहार में होने वाले दूसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा का पूरा शेड्यूल जारी हो गया है। बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी ने परीक्षा का विस्तृत शेड्यूल जारी कर दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज, मैं हूं आपके साथ दिव्यांशु। इस वीडियो में हम शिक्षक नियुक्ति परीक्षा के दूसरे चरण का शेड्यूल तो आपको बताएंगे ही, साथ ही आपको परीक्षा से जुड़ी तमाम जरूरी बातें भी बताएंगे जो आपके बेहद काम आएगी। पहले आपको पूरा शेड्यूल बता देते हैं। शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण की परीक्षा 7 दिसंबर से शुरू होगी। परीक्षा 7, 8, 9, 10, 14, 15 और 16 दिसंबर को आयोजित होगी। परीक्षा दोपहर 12 बजे से 2:30 बजे तक चलेगी। इस बार बीपीएससी ने परीक्षा एक ही पाली में आयोजित करने का फैसला लिया है। पहले चरण में बचे हुए पदों को भी दूसरे चरण में शामिल किया गया है, इसीलिए दूसरे चरण में कुल 1,22,286 पदों पर शिक्षकों की नियुक्ति होगी। बीपीएससी ने शिक्षा विभाग के तहत 69,706 और पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 916 पदों पर बहाली के लिए विज्ञापन पहले ही जारी कर दिया था। इसके साथ ही पहले चरण में शिक्षक नियुक्ति से बचे 50,263 और अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के अंतर्गत कुल 1,401 पदों पर बहाली होनी है। 7 दिसंबर को पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वर्ग 9 से 10 और अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10 के संगीत या कला विषयों का पेपर होगा। 8 दिसंबर को हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत, उर्दू, अरबी, फारसी, बांग्ला, ललित कला, नृत्य, फिजिकल एजुकेशन, मैथिली, संगीत एवं कंप्यूटर। शिक्षा विभाग वर्ग 9 से 10, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वर्ग 9 से 10, इसमें संगीत और कला विषय को छोड़कर। अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग वर्ग 6 से 10, इसमें संगीत और कला विषय को छोड़कर। 9 दिसंबर गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान, शिक्षा विभाग वर्ग 6 से 8, विषय भाषा हिंदी व अंग्रेजी, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग वर्ग 6 से 8। 10 दिसंबर अंग्रेजी, संस्कृत, हिंदी, उर्दू, शिक्षा विभाग वर्ग 6 से 8। 14 दिसंबर प्रधानाध्यापक पद के लिए पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। 15 दिसंबर वर्ग 1 से 5 के सभी विषय सामान्य, उर्दू, बांग्ला, शिक्षा विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। 16 दिसंबर शिक्षा विभाग पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग। परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड अगले सप्ताह या फिर अगले महीने की शुरुआत में जारी कर दिए जाएंगे। बीपीएससी चेयरमैन अतुल प्रसाद ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि इस बार ओएमआर सीट भरने का तरीका बदला रहेगा। ओएमआर सीट जारी हो गई है, आपको कुछ बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। बीपीएससी ने दिसंबर में आयोजित होने जा रही दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा की डेमो ओएमआर सीट जारी कर दी है। ओएमआर सीट देखकर आप यह अंदाजा लगा पाएंगे कि आपको किस तरह की उत्तर पुस्तिका मिलेगी। 5 ऑप्शन होंगे ए, बी, सी, डी और ई। सही उत्तर वाले गोले को नीला या फिर काले पेन से भरना होगा। ओएमआर सीट पर फ्लूइड या इरेजर का इस्तेमाल करने की मनाही है। डेमो ओएमआर सीट में बताया गया है कि गोलों को किस तरह से भरना है, इसीलिए आप डेमो ओएमआर सीट देख सकते हैं। अगर आप किसी एक प्रश्न के उत्तर में एक से अधिक गोले भर देते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा। ओएमआर सीट जारी किए जाने के बाद बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने ट्वीट कर कहा, TRE 2.0 की OMR सीट में रोल नंबर की कोई टेक्स्ट एंट्री नहीं होगी। इस तरह सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी वही होंगे जो अभ्यर्थियों ने एप्लीकेशन फॉर्म भरते समय दिए होंगे। ऐसे में उम्मीदवारों को सावधान रहना चाहिए क्योंकि गलत एंट्री को कंप्यूटर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा और कोई मैनुअल क्रॉस वेरिफिकेशन भी नहीं होगा। एक अन्य ट्वीट में उन्होंने कहा, TRE 2.0 में OMR सीट पर क्वेश्चन बुकलेट सीरीज पहले से ही प्रिंट होगी। अभ्यर्थियों को इसे नहीं भरना है, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है, अन्यथा OMR सीट खारिज की जा सकती है। फीस जमा करने का मिला था मौका। बीपीएससी ने पहले से रजिस्ट्रेशन करा चुके सभी अभ्यर्थियों को, जिसमें कक्षा 1 से 5 को छोड़कर, आवेदन शुल्क जमा करने का आखिरी मौका दिया था। रजिस्ट्रेशन करा चुके अभ्यर्थियों को 23 व 24 नवंबर को फीस भुगतान का मौका दिया गया। मध्य माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तर के जिन अभ्यर्थियों ने 17 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन किया है, वे ही 25 नवंबर तक आवेदन पूरा कर सकेंगे। वहीं कक्षा 1 से 5 के लिए रजिस्ट्रेशन, फीस भुगतान व ऑनलाइन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर 2023 तक है।
परीक्षा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें। नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। भाषा पेपर के 30 नंबर में 22 प्रश्न हिंदी से और 8 प्रश्न इंग्लिश से होगा। इस पेपर में क्वालिफाई करने के लिए 9 मार्क्स आपको लाना होगा। जीएस और मेन पेपर के नियम पहले जैसे रहेंगे। शिक्षक भर्ती परीक्षा अब कुल 150 प्रश्नों की होगी। 30 क्वालिफाइंग नेचर वाले होंगे, ये भाग एक होगा। भाग दो व तीन पिछली बार वाला 40 और 80 का होगा। पहले चरण में टाई ब्रेकर डेट ऑफ बर्थ से तय हुआ था। ये सामान्य होने पर नाम के अल्फाबेट देखे गए थे। अब नई शिक्षक भर्ती में इसमें बदलाव किया गया है। भाषा वाला 30 नंबर का तो क्वालिफाइंग होगा, भाग दो में जब टाई होगा तो फिर मुख्य पेपर के प्राप्तांक के आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। अगर इसके मार्क्स भी बराबर होंगे तो भाषा वाले क्वालिफाइंग नेचर के पेपर के मार्क्स देखे जाएंगे। एग्जाम पैटर्न, कुल 150 मार्क्स का पेपर होगा। भाषा विषय 30, सामान्य अध्ययन 40, संबंधित विषय 80। उम्मीद है हमने आपको जो जानकारी दी है वो आपके काम की है। तो दूसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने वाले अभ्यर्थियों को गुड लक। ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहे दर्श न्यूज़।